हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपको बताते चले कि अब तक कुल 12 बार ओडीआई विश्व कप खेले गए हैं और भारत की मेजबानी वाला टूर्नामेंट 13वां वर्ल्ड कप है। आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम कितनी बार ओडीआई विश्व कप जीती है, कहां कहां किस किस देश में विश्व कप का आयोजन किया गया है, कौन सी टीम कितनी बार फाइनल में पहुंचकर हारी है, कितनी कितनी टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचकर हारी है। ये सभी दिलचस्प जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन पहली बार इंग्लैंड में सन 1975 में किया गया था। इसमें फाइनल में पहली बार विनर बनी थी वेस्टइंडीज की टीम और फाइनल में वेस्टइंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया था। दूसरा ओडीआई विश्व कप सन 1979 में इंग्लैंड में फिर से होस्ट किया गया था, जिसमें विनर टीम फिर से वेस्टइंडीज की टीम बनी थी और इस बार वेस्टइंडीज की टीम ने इंग्लैंड को 92 रनों से हराया था और लगातार दो बार विश्व चैंपियन बनी थी। तीसरा ओडीआई विश्व कप सन 1983 में एक बार फिर से इंग्लैंड में होस्ट किया गया था, जिसमें भारत की टीम पहली बार कपिल देव की कप्तानी में विश्व चैंपियन बना था, जहां भारत ने फाइनल में लगातार दो बार विश्व चैंपियन बनने वाली टीम वेस्टइंडीज को 43 रनों से मात दे दी थी। पहली बार विश्व चैंपियन बना था। चौथा ओडीआई विश्व कप सन 1987 में भारत और पाकिस्तान में होस्ट किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया था और अब तक इंग्लैंड दो बार फाइनल में पहुंचकर चुका था। पांचवा ओडीआई विश्व कप सन 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होस्ट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रनों से हराया था और अब तक इंग्लैंड तीन बार ओडीआई विश्व कप फाइनल में पहुंचकर हार चुका था। छठा ओडीआई विश्व कप सन 1996 में फिर से भारत और पाकिस्तान में कराया गया था, जब भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध अच्छे थे। इस विश्व कप में विनर टीम थी श्रीलंका। फाइनल में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से हराया था और पहली बार विश्व चैंपियन बनी थी। सातवां ओडीआई विश्व कप सन 1999 में चौथी बार इंग्लैंड में फिर से कराया गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराया था। आठवां ओडीआई विश्व कप सन 2003 में साउथ अफ्रीका में पहली बार होस्ट किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर तीसरी बार विश्व चैंपियन बना था। इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रनों के बड़े अंतर से हराया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की बुरी तरह से पिटाई की थी, जहां ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में थे। एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमन, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारत के हाथ से मैच छीन लिया था, तीसरी बार विश्व चैंपियन बना था। नौवां ओडीआई विश्व कप सन 2007 में पहली बार वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया था, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से चौथी बार विश्व चैंपियन बना था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में श्रीलंका को 66 रनों से हराया था और श्रीलंका पहली बार फाइनल में हारा था। दसवां ओडीआई विश्व कप सन 2011 में भारत और बांग्लादेश में कराया गया था, जिसमें भारत विजयी बना था। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को विकेट से हराया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ओडीआई विश्व कप में पहली बार और टी20 विश्व कप को मिलाकर दूसरी बार चैंपियन बना था। टी20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले सीजन में ही धोनी की कप्तानी में भारत चैंपियन बना था। धोनी ही हैं जो अब तक भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। 11वां ओडीआई विश्व कप सन 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दूसरी बार कराया गया था, इसमें ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से पांचवी बार विश्व चैंपियन बना था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हराकर विश्व की नंबर एक टीम बनी थी। 12वां ओडीआई विश्व कप सन 2019 में एक बार फिर से चौथी बार इंग्लैंड में कराया गया, जिसमें इंग्लैंड पहली बार विश्व विजेता बनने में सफल हुई थी और इस ओडीआई वर्ल्ड कप में तो काफी ड्रामेबाजी देखने को मिली थी, जब मैच टाई हो गया था और सुपर ओवर कराया गया था, लेकिन सुपर ओवर भी टाई हो गया, लेकिन आईसीसी के नियम के मुताबिक ज्यादा बाउंड्री लगाने वाली इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया था। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 2 छक्के और 14 चौके जमाए थे और इंग्लैंड ने 2 छक्के और 22 चौके जड़े थे। इस तरह बाउंड्री नियम के आधार पर इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस तरह न्यूजीलैंड लगातार दो बार 2015 और 2019 में फाइनल में हारा है। 2023 ओडीआई विश्व कप भारत में खेला जाना है, जिसकी मेजबानी भारत के हाथ में है। रोचक बात यह है कि न्यूजीलैंड जो अब तक एक बार भी यह खिताब अपने नाम नहीं कर पाया है और उसे अपनी पहली जीत की तलाश है, वहीं अफ्रीका को भी पहली जीत की तलाश है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम इस दफा 2023 में जीत सकेगा, जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।